कस्टमर की गाइस वेलकम टू तक्ष ऑटोटेक। आज हम आपके पास लेके आए हैं पंच ICNG, वो गाड़ी जो एक्स्टर को रिवाइवल करती है डायरेक्टली। लास्ट मंथ क्या हुआ था, हुंडई ने एक्स्टर लॉन्च कर दी CNG में, लोग वहाँ पागल हुए घूम रहे थे, बोल रहे थे कि अब CNG लेंगे। और पंच वालों ने भी, मतलब टाटा ने क्लियर ये कर दिया कि हम निकालने वाले बहुत जल्द, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी टाटा पंच ICNG के साथ लॉन्च हो जाएगी। इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ नया आया है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्या टेक्नोलॉजी दी गई है, किस तरीके के सिलेंडर्स हैं और क्या इसके इंजन के पावर है, क्या टॉर्क है, कितना टॉर्क है, कितना जर्की इंजन है। तो स्टार्ट करते हैं आगे की प्रोफाइल की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की तरफ से। आपको यहाँ पे DRL मिल जाएगा, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे फॉग लैम्प का सेटअप भी मिलेगा आपको, और यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं, और साइड में हेलोजन है लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेगी। ग्रिल बहुत बड़ी मिली हुई है, वही पंच की पुरानी, एज सच कुछ नया नहीं है। फ्रंट और एक्सटीरियर के अंदर, इस गाड़ी के अंदर कुछ भी नया नहीं दिया गया है, वही है जो है। लेकिन एक्सटीरियर में एक चीज़ बहुत ही प्यारी दी गई है, आप देख सकते हो सनरूफ इस गाड़ी के अंदर ऑफर कर दिया गया है, अब पहले पेट्रोल में नहीं आ रहा था। तो स्टार्ट करते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ से। तो आपको यहाँ पे टायर सेक्शन मिल जाएगा 16 इंची का, 195/60R16 का आपको मिल जाएगा, डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ आपको सेटअप मिलेगा। और यहाँ पे क्लैडिंग मिल जाएगी आपको, साइड में बड़ा सा क्या कहते हैं ग्लास भी मिला हुआ है, ए पिलर ब्लैक है, बी पिलर ब्लैक है, साइड में क्या कहते हैं डोर हैंडल ऊपर की तरफ दिया हुआ है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ डोर हैंडल बॉडी कलर दिया हुआ है। IRVM में आपको अपना इंडिकेटर इसमें IRVM में मिल जाएगा, फेंटर में नहीं मिलता, एल्ट्रोस की तरह, एल्ट्रोस में टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता, यहाँ पे आपको IRVM में ही आपको इंडिकेटर मिलेगा। साइड प्रोफाइल में बहुत ही अच्छा लुक दिया गया है, यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाएंगी, रूफ रेल के साथ आपको सनरूफ इसमें नया ऑफर किया गया है। तो चलते हैं साइड प्रोफाइल के बाद बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक प्रोफाइल में वही अपना राइनो का लोगो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा की हर गाड़ी में आपको मिलता है। लोकल इज वोकल, मोदी जी का इनिशिएटिव, लोकल गाड़ी खरीदो, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदो, इंडिया का माल इंडिया में रहना चाहिए। तो अभी फिलहाल इस गाड़ी का जो हम मेन पार्ट है वो रिवील करते हैं, इसका ICNG टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी, ये छोटा सा फीचर है, गाड़ी का बूट खोलते समय एक छोटी सी बिप बिप लाइट आएगी, ये एक तरीके से सेफ्टी फीचर भी है गाड़ियों में, बाकी कंपनियों को देना चाहिए, कोई ज़्यादा महंगा या कॉस्टली आइटम नहीं है, ताकि अंदर बैठे पैसेंजर्स को ये पता लग सके कि पीछे किसी ने बूट एक्सेस किया है, जैसे कभी इमरजेंसी में हो भी जाता है। देखते हैं सबसे मेन जो इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जो इस गाड़ी को माइक्रो SUV के साथ बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टिस बनाती है कि ट्विन सिलेंडर के साथ आ गया। इसमें हाइट भी बहुत अच्छी दी गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बूट के साथ बहुत ही प्यारा बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। लेते हैं इसके बूट स्पेस की, CNG लगने के बाद इसमें 210 लीटर का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है। 210 लीटर का बूट स्पेस CNG के साथ, अमेजिंग, ओ माय गॉड वाला जो टाटा ने फील दे रखा है ना, वही है ओ माय गॉड। 210 लीटर CNG लगने के बाद माइक्रो SUV, आपको पंच भी इतना बढ़िया मिल रहा है, साइज बॉडी रोल इतना प्यारा मिल रहा है, और बूट स्पेस भी आपको मिल रहा है, सोने पे सुहागा है। और ये काम टाटा ही कर सकता है, स्वदेशी अपना, लोकल इज वोकल। तो आइए अंदर चलते हैं, इसमें क्या कुछ नया आया है वो बताते हैं। स्टार्ट करते हैं अंदर के प्रोफाइल की तरफ से। यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाएगा, आपका गियर नॉब भी बहुत प्यारा मिला हुआ है, और यहाँ पे छोटे छोटे हेडरेस्ट भी आपको आर्मरेस्ट मिला हुआ है, और यहाँ पे सबसे बेस्ट फीचर आपको सनरूफ यहाँ पे मिल गई है। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करती है सनरूफ। इस तरीके से सनरूफ आपकी वर्क कर रही है, स्पीड अच्छी है खुलने की और बंद होने की, सनरूफ की बहुत प्यारी स्पीड लग रही है। और यहाँ पे एसेसरीज का पार्ट है अपना ये डैश कैम। बात कर लेते हैं इंटीरियर की, यहाँ पे फुली डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिया गया है, और यहाँ पे हरमन का पूरा सेटअप मिल जाएगा स्पीकर्स के साथ, अपने 6 स्पीकर का सेटअप है यहाँ पे। बकेट सीट ऑफर की गई है, और साथ में ही आर्म रेस्ट भी यहाँ पे ऑफर किया गया है, दोनों गाड़ियों के दोनों सीट के लिए अलग अलग, और ये एक तरीके से कैप्टन सीट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है टाटा पंच के अंदर। और बेसिकली यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे, IRVM डे एंड नाइट मिल गया,
यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्लोव बॉक्स की। ग्लोव बॉक्स भी डिसेंट साइज का मिला हुआ है, स्लीक सा इंटीरियर जो पहले था, लेकिन जो नया आया है इसके अंदर सनरूफ, दोबारा से बता देता हूँ। और हेडरूम भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, बहुत प्यारा है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ यहाँ पे कंट्रोल्स भी आपको दिए गए हैं ब्लूटूथ वगैरह के। और इधर देखा जाए तो एसी वेंट्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये अपना टिक 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 टिक। एसी अपना मैनुअल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। एसी हीटर नॉर्मल दिया गया है, 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट दिया गया है। यूएसबी चार्जर भी दिया गया है यहाँ पे, और अपना वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। 5 वोल्ट का यहाँ यूएसबी भी दिया हुआ है यहाँ पे, और 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। बाकी चलते हैं पीछे, दिखाते हैं क्या है। बात कर लेते हैं पीछे के स्पेस की। यहाँ पे आगे के आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाएंगे, पीछे आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिले हैं। यहाँ पे सनरूफ का आगे स्पेस दिया गया है। हेडरूम भी बहुत अच्छा है, लेग रूम भी बहुत अच्छा है, स्पेस बहुत बढ़िया है 3 आदमियों के लिए। लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत बढ़िया स्पेस यहाँ पे दे रखा है। 4 पावर विंडो है, और क्या चाहिए। इतनी छोटी सी गाड़ी में सनरूफ मिल गया, ICNG मिल गई, डुअल सिलेंडर मिल गया, बूट स्पेस मिल गया, इतना पंची पंच के साथ, नाम पंच के साथ ही पंची इंजन मिल गया। इसके अलावा शायद ही टाटा से और कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ दिया। अगर आपको और इसके अलावा भी कुछ चाहिए हो तो ज़रूर आपको यही बताइए, हम आगे एक्सेलरेट करेंगे कि ये चीज़ें भी कस्टमर्स को देनी चाहिए। बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। 1.2 का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, 115 PS की पावर ये पेट्रोल में जनरेट करता है, और 103 PS की पावर ये CNG में जनरेट करता है। सबसे बेस्ट पॉइंट, 103 BHP की पावर CNG गाड़ी जनरेट कर रही है, और इस साइज़ के साथ सोने पे सुहागा है। ओ माय गॉड वाली फीलिंग फिर से आने लगी कि चीज़ बनाई है, क्या बना दिया, पूरा रॉकेट बना दिया। 103 BHP CNG में रियली मज़ा आता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये सपना है। ऐसी गाड़ी अगर मार्केट में कोई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि CNG की गाड़ी इस साइज़ में 103 BHP की पावर जनरेट कर रही है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर इस गाड़ी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके ज़रूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।